इस वीडियो में हम नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंट्राडे स्टॉक्स का सिलेक्शन करने वाले हैं। इसके साथ हम मार्केट के ट्रेंड को भी डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में यूज किए गए ट्रेड सेटअप को सिर्फ इंट्राडे स्टॉक्स को पिक करने के लिए यूज किया गया है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तब आपको नीचे दिए गए वीडियोस को जरूर रेफर कर लेना चाहिए। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। टुडे 2nd ऑफ सितंबर को यूएस में लेबर डे सेलिब्रेट किए जाने की वजह से उधर मार्केट बंद है। इस वजह से हमें उधर से कोई भी रियल टाइम डेटा आज नहीं मिल पाएगा। अगर हम निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे हमें लगभग 95 पॉइंट से भी ज्यादा डाउनसाइड करेंटली फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम फॉरेक्स मार्केट में इंडियन रुपए में एक गिरावट को अभी भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिस वजह से कल हमें मार्केट में एक सिग्निफिकेंट डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे 3 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें कल आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो हमारे लिस्ट में जो पहला स्टॉक है वो है इंफोसिस लिमिटेड। अगर कल मार्केट में हमें एक डाउनसाइड देखने को मिलता है तो इसका सीधा असर हमें आईटी सेक्टर में देखने को मिल सकता है। आईटी स्टॉक्स में कल हमें एक बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर हमें इंफोसिस लिमिटेड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये करंटली अपने 52 वीक हाई लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसमें जो बुलिश ट्रेंड है वो हमें कल भी कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। करंटली हम इसके वीवअप लेवल्स को इसके क्लोजिंग से काफी नीचे देख सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे इसके डिलीवरी परसेंटेज में भी काफी ज्यादा इजाफा को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके ऑप्शन चेन डेटा में हम करंटली इसके कॉल साइड में सिग्निफिकेंट कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख सकते हैं और इसके स्ट्राइक प्राइस में भी हमें एक अपसाइड यहां पे देखने को मिल जाता है, जिस वजह से कल हमें इस स्टॉक में एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर हम इसका टेक्निकल चार्ट की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे हमें इसके मेजर ईएमएल लेवल्स और वीवाप लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड देखने को मिल जाता है और हम इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर और एमएसईडी इंडिकेटर में भी एक बुलिश क्रॉसओवर को यहाँ पे फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं, जिस वजह से कल आप इस स्टॉक को बाई साइड के लिए अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा स्टॉक है वो है विप्रो लिमिटेड। हमें लास्ट फ्राइडे को इस स्टॉक में लगभग 2.09% का एक अपसाइड देखने को मिला है। इसने अपना इंट्राडे हाई के जस्ट नीचे 254.4 के लेवल पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। इसमें भी हमें इसका वीवा प्लेवल्स इसके क्लोजिंग से नीचे देखने को मिल सकता है, जिस वजह से ये अपसाइड हमें कल भी जारी रहता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम इसका स्टॉक फ्यूचर्स की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे भी हमें इसके ऑर्डर बुक में बायर साइड में काफी ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिल जाता है, जिस वजह से कल आपको इस स्टॉक में ये अपसाइड कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके टेक्निकल चार्ट में भी हम मेजर ईएमएल लेवल्स और वीवा लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड को देख पा रहे हैं और ये अपने वॉर्टेक्स इंडिकेटर में भी एक बुलिश क्रॉसओवर को फॉर्म कर रहा है। इसके एमएसईडी इंडिकेटर में हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से कल आप इस स्टॉक को भी बाय साइड के लिए अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। फाइनली जो तीसरा स्टॉक है वो है पीएसयू बैंक में सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कल अगर मार्केट हमें डाउन साइड में मूव करता हुआ दिखाई दे तो हमें इस स्टॉक में एक सिग्निफिकेंट डाउन साइड कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। करेंटली हम इस स्टॉक में लगभग एक फ्लैट ट्रेडिंग रेंज को देख पा रहे हैं, लेकिन कल ये सिनेरियो बदल सकता है और ये हमें 270 के लेवल्स के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम इसका जो फ्यूचर लेवल्स की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे हमें अभी भी इसके सेलर साइड में काफी ज्यादा सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जिस वजह से कल ये स्टॉक हमें गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे हमें अभी भी इसके मेजर ईएमएल लेवल्स और वीवाप लेवल्स पे एक बियरिश ट्रेंड देखने को मिल जाता है और हम इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर और एमएसईडी इंडिकेटर में भी एक बियरिश क्रॉसओवर को रिसेंटली फॉर्म होता हुआ देख पा रहे हैं, जिस वजह से
कल भी आपको स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है, तो आप कल स्टॉक को सेल साइड के लिए अपने वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं। करेंटली हम निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स में लगभग 90 पॉइंट का एक डाउनसाइड को देख सकते हैं। इसके अलावा हमें फॉरेक्स मार्केट में भी इंडियन रुपी में एक सिग्निफिकेंट डाउन ट्रेंड फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से कल हमें मार्केट 50 से लेके 60 पॉइंट के डाउनसाइड के साथ ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर हम लास्ट फ्राइडे के निफ्टी का टेक्निकल चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे हमें एक बुलिश कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसने अपने 9 डेज के ईएमए लाइन को ब्रीच करते हुए 11,023.25 के लेवल पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। इसके आरएसआई लेवल को हम 46.94 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ देख सकते हैं, लेकिन हमें ट्यूजडे 3 सितंबर को इसमें एक सिग्निफिकेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है और निफ्टी हमें डाउन ट्रेंड में मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम इसका वीकली ऑप्शन चेन डेटा की ओर रुख करते हैं तो हमें 11,000 के लेवल्स पे सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर निफ्टी 11,000 के लेवल्स के नीचे अपना ओपनिंग देता है तो हमें ये 10,900 के लेवल्स की ओर मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि हम इस लेवल पे भी 8.94 लाख 450 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख सकते हैं और हमें इस लेवल पे 17,96,100 क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम कल के लिए 10,900 के लेवल्स को ही एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम कॉल साइड में चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें हायर लेवल्स पे कॉल राइटिंग काफी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम 11,100 के लेवल्स पे ही लगभग 50,000 के आसपास कॉल्स को ऐड होता हुआ देख पा रहे हैं। इस लेवल पे हमें 18,90,000 क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम कल के लिए 11,100 के लेवल्स को ही एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे हमें निफ्टी की तरह ही एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यह अभी भी अपने 9 डेज के ईएमए लाइन के नीचे ट्रेड करता हुआ हम देख सकते हैं। इसके आरएसआई लेवल को हम करेंटली 40.16 के लेवल पर देख पा रहे हैं, जिसमें कल भी हमें एक सिग्निफिकेंट डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। तो आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए कल बैंक निफ्टी में कोई भी लॉन्ग कॉल लेने से अवॉइड करना चाहिए। अगर हम इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे हम इसके पुट साइड में करंटली 27,000 के लेवल्स पे 1.48 लाख से भी ज्यादा पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख सकते हैं। इस लेवल पे हमें 3.85 लाख से भी ज्यादा क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम कल के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो में 27,000 के लेवल्स को ही एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम कॉल साइड में चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हमें 27,500 के लेवल्स पे 1.31 लाख 460 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम इस लेवल पे ही 4,200 क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्डअप होता हुआ देख सकते हैं, जिस वजह से हम कल के लिए 27,500 के लेवल्स को ही एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी अपना इंट्राडे स्टॉक्स को पिक करने में काफी ज्यादा आसानी हो सके और वो भी मार्केट के ट्रेंड को समझते हुए अपना ट्रेड को काफी आसानी से एग्जीक्यूट कर सके। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।